स्वागत है आपका ऑल इन वन सॉल्यूशन इन हिंदी में। मैं आपका दोस्त नीरज आर्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशु के जेर ना गिरने की समस्या। दोस्तों, जब पशु भी आता है तो उसकी जेर इंग्लिश में प्लेजेंटा प्लेजेंटा जो है नहीं निकाल पाता, जिसका समय जो होता है मैक्सिमम 5 घंटे का होता है, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे का होता है। तो दोस्तों, यदि इससे ऊपर का टाइम हो जाता है तो समस्या है। जितना अंदर रहेगी वो जेर तो इन्फेक्शन हो सकता है, दूध पशु का दूध कम हो सकता है, पशु बीमार पड़ सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि पशुओं की जेर गिरने की समस्या में हम किस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप हमारी नई नई वीडियो को प्राप्त करते रहेंगे। आपको सूचना पहुंचती रहेगी कि आपको वीडियो मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हो। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अपडेट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ऑल इन वन सॉल्यूशन ने जो है जो नई वीडियो अपलोड की दी है, जिसे आप बाद में भी कभी भी देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में एक दवाई है प्लेजेंटो। जेर, देखो लिखा हिंदी में लिखा, जेर गिराने की सबसे कारगर दवा। इसकी जो शीशी है वो आती है 30 ml की, 15 ml की। और देखो जेर क्या चीज़ होती है, ये इस तरह की चीज़ जो पशु भी आने के बाद जेर गिरता है। ये उसका फ़ोटो है दोस्तों। तो ये जब जेर नहीं गिरी है, 5 घंटे हो चुके हैं, तो आप इस दवाई को दे सकते हो दोस्तों, प्लेजेंटो जेर गिराने की सबसे कारगर दवा। इंडिकेशन एक्सप्रेस रिटेन्ड प्लेजेंटा। प्लेजेंटा कहते हैं दोस्तों आर नाल जो पशु के बियाने के बाद जो निकलती है, हेल्प इन ट्यूनिंग अप यूट्रस। यूट्रस कहते हैं गर्भाशय को, गर्भा से निकलने की जो है, इसे क्या है सिंगल डोज कहते हैं, एक खुराक ही देनी होती है। 15 ml की एक शीशी आती है दोस्तों, उस शीशी को आप अपने पशु को दे देंगे, जिससे आपका पशु जो है 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है जेल गिर देगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही बढ़िया कारगर दवा है। ये है किसकी, ये अशोक लैब के नाम से कंपनी है, इसी अशोक देख सकते हो आप, अशोक होम्योपैथिक लेबोरेटरी। तो दोस्तों, इस दवाई को जो है आप ज़रूर चेक करें और इसके बारे में कमेंट दें। कमेंट देने के साथ साथ जो है लाइक करें। और दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन दबा के। उसके बराबर में एक बेल का आइकन है, घंटी का आइकन है, उसको क्लिक करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे कि हमने नई वीडियो डाली है। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका।